हेलो गाइस, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इंडिया के किसी भी गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इन्फॉर्मेशन और किसी भी एमएनसी के रिक्रूटमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हाँ दोस्तों, आज का जॉब नोटिफिकेशन आया है ZOHO कंपनी की तरफ से। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है ZOHO कंपनी क्या है, तो इस वीडियो में मैं ZOHO कंपनी क्या है, उसका कौन से जॉब रिक्रूटमेंट हो रहा है, कौन कौन एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया लग रहा है और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या स्किल्स लगेगा यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, सब कुछ मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर लीजिए और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ZOHO कंपनी के बारे में जानते हैं कि ZOHO कंपनी क्या है। ZOHO एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजिकल कंपनी है जो क्लाउड कंप्यूटिंग भी करता है। ZOHO कंपनी में मेन टास्क क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना और एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना। उसके साथ साथ आईटी नेटवर्क को भी वो संभालते हैं। बहुत सारे कंपनीज के जो आईटी नेटवर्क्स होते हैं ZOHO कंपनी हैंडल करता है। अब ZOHO कंपनी टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट कर रहा है जो ऑल ओवर इंडिया पैन के थ्रू हो रहा है। मतलब अगर आपको जॉब लग गया तो अभी तो करंटली वर्क फ्रॉम होम होने वाला है, पर जब सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा तो तब पूरे इंडिया में कहीं भी आपका जॉब लग सकता है। आपके होम सिटी में भी लग सकता है, अदरवाइज किसी और मेट्रो सिटी में भी लग सकता है। अब कौन कौन से बैच एलिजिबल है, 2018 से 2021 पास आउट तक एलिजिबल है। बैच एनी बैचलर्स डिग्री आर एलिजिबल, लाइक वीई, बीटेक, एमई, एमटेक, एमएससी, बीए, सीबीसीए, एमसीए, बीबीए, बीकॉम, सब एलिजिबल है 2018 से 2021 बैच तक। अब ये लोग सैलरी कितना देने वाले हैं, 3.2 LPA से 3.9 LPA तक, मतलब बहुत ही ज्यादा है एक बैचलर्स डिग्री के लिए, बट मास्टर्स के लिए एक एवरेज सैलरी पैकेज है। अब आपका जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपको फोन कॉल्स, ईमेल्स, टेक्निकल चैट्स, ऑनलाइन वेब सेशंस, ये सब आपको हैंडल करना होगा। आपको प्रेजेंटेशन करना होगा प्रोडक्ट के बारे में और आपको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज डेप्थ भी होना चाहिए। आफ्टर सिलेक्शन आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आपका एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। अब एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल आज का हर एक कंपनी का एक कॉमन रिक्रूटमेंट होता है, एक्सेलेंट वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल, तो वो होना ही चाहिए। अदरवाइज आप कोई भी कंपनी में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। और ज्यादातर कंपनियां एक्सेलेंट वर्बल एंड रिटेन कम्युनिकेशन स्किल का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करता है, किसी भी देशी भाषा के बारे में नहीं। अब स्किल्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास, आपको मॉडर्न आईटी मैनेजमेंट आना चाहिए, आईटीएसएम का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, OS का नॉलेज होना चाहिए, विंडोज एप्लीकेशंस का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको बेसिक नेटवर्किंग आना चाहिए, एंड पॉइंट सिक्योरिटी आना चाहिए, आईटी ऑपरेशन में कुछ नॉलेज होना चाहिए और आपको सपोर्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन में भी थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप लोग ये क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो हर कोई एलिजिबल है। अगर आपका 5 CGPA आया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपका 10 CGPA भी आया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। ये है ZOHO का वेबसाइट जहाँ पर आप टेक्निकल सपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए आप लोग, यहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप लोग जॉब प्रोफाइल देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर नेम लिखिए, मेरा नाम है शुभराम सिन्हा, बाय डिफॉल्ट मेरा सब कुछ ले लेगा। अगर आप कोई करेंट कंपनी में है तो उसका नाम दे सकते हैं, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दे सकते हैं, फ्रेशर्स देना है अच्छा रहेगा। करेंट अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है वहाँ पर CTC है तो आप दे सकते हैं, एक्सपेक्टेड CTC भी आप दे सकते हैं, विलिंगनेस टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, अगर आप रात को काम कर सकते हैं तो येस कर दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसीलिए मैंने येस कर दिया है। यहाँ पर स्किल्स आपका जो है, मुझे प्रोग्रामिंग नॉलेज है लाइक C++, जावा मुझे आता है इसीलिए मैंने ये सब लिखा है। उसके बाद मुझे विंडोज एप्लीकेशन भी मुझे आता है, आईटी सिक्योरिटी ऊपर नॉलेज है, बस इतना एनफ होगा। अब ब्राउज कीजिए, अब ब्राउज करके अपने CV को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आप सबमिट कीजिए इसे, ओके ये देना ही होगा आप लोगों को, करंट और प्रीवियस कंपनी,
अगर आपने कहीं पर काम किया है तो आप नाम दे सकते हैं या फिर एनए कर दीजिए। आप फ्रेशर्स है तो फ्रेशर्स पर टिक कीजिए। आपका करंट सीटीसी नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए यहाँ पर। एक्सपेक्टेड सीटीसी ऑब्वियसली 3 to 4 LPA कीजिए, क्योंकि यहाँ पर पैकेज दे रहा है 3 LPA के ऊपर। उसके बाद आप लोग सबमिट कीजिए इसे। यहाँ पर दिखा रहा है थैंक यू, वी विल गेट यू बैक यू सून। ओके पर क्लिक कीजिए। तो हमने देख लिया कि आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया, पैकेज देख लिया कितना दे रहा है। इस पूरे डिटेल्स के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो एलिजिबल है। आप अगर खुद एलिजिबल है तो अप्लाई कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहले पहुंच सके।